नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मां नर्मदा शिव महापुराण कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने वामन अवतार की कथा सुनाते हुए बताया कि किस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती का उद्गम हुआ तथा अमरकंठक में माता पार्वती का कंठ सूखने पर भगवान शिव माता पार्वती के लिए जल लेने चले गए। लौट कर देखा तो माता पार्वती का पुत्र अंधकासुर पार्वती पर कुदृष्टि डालते हुए देखा। क्रोध से भगवान शिव को पसीना आया, जिससे मां नर्मदा का उद्गम हुआ। माता पार्वती को जिस स्थान पर प्यास लगी थी उसका नाम अमरकंठ पड़ा। इसी कारण मां नर्मदा के उद्गम स्थान को अमरकंठक कहते हैं। आज शिव पुराण की कथा से प्रेरित होकर सेमरी हरचंद निवासी अनुप कुमार, उमेश कुमार, जगदीश प्रसाद मित्तल ने सेमरी हरचंद से 5 किलोमीटर दूर अपनी कृषि भूमि में से 6 एकड़ भूमि गौशाला निर्माण हेतु प्रदान की। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि ये गौशाला विट्ठले समिति के नाम से रहेगी तथा इसका संचालन सेमरी हरचंद निवासी ही करेंगे। गौशाला के निर्माण के साथ वहां निवास कर रहे आदिवासी समाज के बच्चों के लिए एक विद्यालय खोलते हुए उसी 6 एकड़ भूमि में से 2 एकड़ भूमि विद्यालय हेतु संरक्षित करने को कहा। गौशाला निर्माण एवं विद्यालय निर्माण हेतु अनुप कुमार, उमेश कुमार, जगदीश प्रसाद मित्तल द्वारा 11 लाख रुपए की राशि भी दान की गई। स्वर्गीय नीलेश सोनी की स्मृति में मां नर्मदा शिवपुराण कथा के आयोजन शैलेंद्र कुमार सोनी ने भी 1 लाख की दान राशि प्रदान की। पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्षेत्रवासियों से अपील की है गौशाला तथा आदिवासी बच्चों के विश्वविद्यालय बच्चों के विद्यालय के निर्माण में अपना योगदान दें एवं गौशाला में रहने वाली गौ माता के अपने अपने खेतों में भूसा चारे की व्यवस्था करें, जिससे गौ माता सड़क पर लावारिस न घूमे तथा उनके साथ दुर्घटना न घटे। सेमरी हरचंद के बाद 25 मई से 31 मई तक हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा होगी, ऐसा मंच ने बताया। माखन नगर से संवाददाता आशीष आशुदुबे की। एक साथी को मनमानी के लिए एक नए लोक का निर्माण करो और अनसुईया जी के कहने पर एक साथी को लोक का निर्माण किया गया, जहाँ पर सावित्री जैसी साथी को मनमानी निवास करती है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।